अगर आपके खिलाफ मीडिया, अगर आपके खिलाफ सरकार को सबूत नहीं मिलेगा अपनी टांग ऊंची रखने के लिए, दे विल किल एनीबॉडी। देखो, दे हैव किल्ड माय सन, घर बुलाकर उन्होंने मेरे बेटे को गोली मारी। बिफोर आई वुड कॉल माय हस्बैंड, इन्होंने उसको गोली मारी। सत श्रीकाल दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा और तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस। इस वेले दी वड्डी खबर लेके तुहाडे सामने हाजिर होया। खबर है आईएएस अधिकारी संजय पोपली दे नाल जुड़ी हुई। संजय पोपली जिहड़े कि भ्रष्टाचार मामलों दे विच गिरफ्तार ने, उन्हां दे घर अज गोली चली है और गोली चलन दे नाल उन्हां दे बेटे की मौत हो चुकी है। सो तुहानू दस दईए, संजय पोपली नूं कुछ समां पहला विजिलेंस दी टीम ने गिरफ्तार किया सीगा। भ्रष्टाचार दे वड्डे आरोप लगे सीगे। सो पंजाब दे नाल नाल हरियाणा दे विच वी भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे संजय पोपली के घर अज यह जा रहा था कि विजिलेंस की टीम रिकवरी करन दे लई पहुंची सी। उस दौरान घर के गोली चलती है तो उन्होंने बेटे की मौत हो जाती है। सूत्रे जानकारी दस रहे हैं कि विजिलेंस की टीम जी है पहुंची सी, जिस तो बाद संजय पोपली का बेटा काफ़ी परेशान से। उन्हें अपनी घर जी लाइसेंस ही हथियार उन्होंने घर पिया, उस खुद को गोली मार के आत्महत्या की है। इस मामले की जी है हाली पुष्टि किसी चीज ने, किसी भी अधिकारी ने नहीं की है कि उन्हें आत्महत्या की है या गोली किमें चली है। सो अधिकारियों का कहना है कि गोली चली है और गोली जी है संजय पोपली के बेटे को लगी है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय पहला तो ही भ्रष्टाचार के मामले के गिरफ्तार संजय पोपली तो विजिलेंस की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। सो विजिलेंस की टीम को कुछ इनपुट सके तो संजय पोपली के घर जी है विजिलेंस की टीम सर्च करने के लिए पहुंची सी। सो एकदम घर के अचानक गोली चलती है और संजय पोपली के बेटे की मौत हो जाती है। संजय पोपली के बेटे की जी मौत होती है उसके उत्ते अधिकारी जोड़े है हाली चुप्पी साधे बैठे हैं। तो उन्होंने कहना कि गोली चली है, गोली संजय पोपली के बेटे ने खुद चलाई या गोली किमें चली, ये हाली इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस लगातार इस मामले के जांच कर रही है कि संजय पोपली के बेटे को गोली किमें लगी। देखते कैसे इंसाफ किया, एवरीबॉडी यूनिफॉर्म में, और फिर उस बच्चे के बाप को अरेस्ट करके दोबारा से ले गए हैं। आप नहीं मिलेगा ताकि तो औरतें अकेली रह जाएं एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ। तो आज मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आपके खिलाफ मीडिया, अगर आपके खिलाफ सरकार को सबूत नहीं मिलेगा अपनी टांग ऊंची रखने के लिए, दे विल किल एनीबॉडी। देखो, दे हैव किल्ड माय सन, घर बुलाकर उन्होंने मेरे बेटे को गोली मारी। बिफोर आई वुड कॉल माय हस्बैंड, इन्होंने उसको गोली मारी। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये अपनी पोस्ट बचाने के लिए जो करप्ट ऑफिसर्स 5-5 साल से एक पोस्ट पे बैठे हैं, हाउ करप्ट दे आर, आज दे ब्लडी का चढ़ावा देते हैं। बच्चा मार दिया मेरा, please the vigilance department to the dogs, they have killed my son, recovery na hone mein patient hai, bas aap jaiye aap please। की होया की है, क्या मसला? यहाँ पे विजिलेंस की टीम आई थी। हाँ जी, विजिलेंस की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने कोई इनका जो रिमांड था ना यहाँ से कोई किसी तफ्तीश के रिगार्डिंग ना, जब तफ्तीश के रिगार्डिंग यहाँ पे आए तो यहाँ पे जब एक आवाज़ आई है गोली की, तो बाद में वेरीफाई करने के बाद पता इनका जो लड़का है उसने अपने आप को गोली मार ली। अंकित अभी की बात है, 1 घंटे पहले की डेथ हो गई। अभी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया हॉस्पिटल में, तो फाइनल वहाँ से चेक करने के बाद। आज आज जो हथियार था वो कौन सा था? वो इनका लाइसेंसी वेपन था, वो अभी हमने बेटे के नाम पे आया उसके बाप के, ये इनके नाम पे। अच्छा, इसके नाम ठीक है।